अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपके लिए एंटीवायरस का यूज करना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड की गई कुछ फाइल्स के साथ कई तरह के वायरस और मालवेयर कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं, जिससे वो कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं या फिर जानकारियां चुरा सकते हैं या फिर कंप्यूटर की स्पीड को काफी स्लो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एंटीवायरस का यूज जरूर करना चाहिए। जब बात आती है एंटीवायरस की, तो मार्केट में कई सारे एंटीवायरस अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगता है अवास्ट एंटीवायरस। सो इस वीडियो में मैं आपको अवास्ट एंटीवायरस यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने ब्राउजर में आप टाइप करेंगे avast.com तो आपके सामने अवास्ट एंटीवायरस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फ्री प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताया गया है। आप कीप करेंगे, डाउनलोड हो चुका है, इसके बाद इंस्टॉल करने के लिए ओपन करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही एक सिक्योर ब्राउजर भी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिक्योर ब्राउजर इंस्टॉल नहीं करना तो आप यहाँ से अनचेक करेंगे। इसके बाद इंस्टॉल, राइट साइड में आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। आपको वेट करना होगा जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं यू आर प्रोटेक्टेड, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फर्स्ट स्कैन अगर आप चाहें तो रन पर क्लिक करके शुरू कर सकते हैं, जिसमें ये आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन करेगा और अगर उसमें कोई वायरस या मालवेयर है तो उसको ये फाइंड कर लेगा। चलिए हम रन करेंगे। स्कैनिंग शुरू हो चुकी है, आपको वेट करना होगा क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, और अगर आप चाहें तो स्टॉप स्कैन पर क्लिक करके किसी भी टाइम इस स्कैन को स्टॉप कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं है, लेकिन दो एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आउटडेटेड हैं, तो आउटडेटेड एप्लीकेशन भी यूज नहीं करने चाहिए। तो आप यहाँ अपडेट ऑल पर क्लिक करके इन दोनों एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, या जो भी आउटडेटेड एप्लीकेशन यहाँ पर शो होंगे वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। जस्ट आपको अपडेट ऑल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये कुछ एडवांस इश्यूज हैं, तो आप इनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। हम रिजॉल्व ऑल पर क्लिक करके इन सबको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एंटीवायरस का पेड वर्जन लेना होगा, तभी आप इन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। वरना फ्री वर्जन आपके कंप्यूटर को सिर्फ वायरस और मालवेयर से बचाएगा। बाकी जो एडवांस इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना होगा। चलिए हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटीवायरस का आइकन मिल जाएगा, इस पर आप देख सकते हैं यू आर प्रोटेक्टेड। इस पर क्लिक करके आप एंटीवायरस को किसी भी टाइम ओपन कर सकते हैं, या फिर आप आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप एंटीवायरस को ओपन कर सकते हैं। इसमें पहला है स्टेटस, यहाँ पर ये आपको आपके कंप्यूटर का स्टेटस दिखाएगा कि उसमें कोई वायरस या मालवेयर तो नहीं है। दूसरा है प्रोटेक्शन, इसमें वायरस स्कैन, कोर शील्ड, वायरस चेस्ट, वाईफाई इंस्पेक्टर, ये सब बिल्कुल फ्री में है। बाकी जो रिमोट एक्सेस शील्ड, रियल साइट, फायरवॉल, ये पेड फीचर्स हैं। इनको यूज करने के लिए आपको अपग्रेड करना होगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप फ्री में इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा वायरस और मालवेयर से, साथ ही आप इसको स्कैन करके और दूसरे इश्यूज भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए, जिसके लिए आप गो प्रीमियम पर क्लिक करेंगे। एंटीवायरस कभी भी आपको क्रैक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस होता है कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप क्रैक वर्जन यूज करेंगे तो उसमें आपको वो सेफ्टी नहीं मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि क्रैक वर्जन में ऑलरेडी वायरस हो। इसलिए या तो आप फ्री यूज करिए या फिर आप इसको अपग्रेड करिए पैसे देकर। क्रैक वर्जन आपको किसी भी एंटीवायरस का यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, 89 रुपीज पर मंथ चार्ज देना होता है। अपग्रेड पर क्लिक करेंगे, एक डिवाइस के लिए 89 रुपीज और 10 डिवाइसेस के लिए 109 रुपीज आपको पर मंथ देने होंगे। चलिए हम यहाँ पर 1 डिवाइस के लिए बाय कर लेते हैं, बाय नाउ। पूरे एक साल के लिए हमें सिर्फ 1068 रुपए देने होंगे। कंटिन्यू करेंगे, इसमें यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि पिन कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और ईमेल आईडी। इसके बाद कंटिन्यू, इसके बाद पेमेंट करना होगा, जिसके लिए कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई से कर सकते हैं। चलिए हम इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे, तो यहाँ पर बैंक चूज कर लेंगे, इस बैंक से पेमेंट करना है।
इसके बाद मेक पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद बैंक ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका एंटीवायरस अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाता है तो आप सीधे वेबसाइट पर जाएंगे और आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपने जो जीमेल आईडी डालकर लाइसेंस परचेस किया है आप उसी जीमेल आईडी से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद आप सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए हमने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सब्सक्रिप्शन को अभी तक हमने यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर देखिए एक एक्टिवेशन कोड दिया गया है, आप कॉपी करेंगे ये। अगर आप चाहें तो अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सिक्योरिटी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट पासवर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है, इसके बाद कंफर्म। इसके बाद आप वापस से आएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, मेन्यू पर क्लिक करेंगे, अब या तो आप एंटर एक्टिवेशन कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कोड डालकर एंटर कर देना है, आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा ये। फिर आप मेन्यू पर क्लिक करके सीधे साइन इन करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेना है, आपके सामने आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। जैसे कि ये सब्सक्रिप्शन हमने आज ही बाय किया है 16 दिसंबर को, तो ये एक्सपायर होगा 16 दिसंबर 2021 को, यानी पूरे एक साल के लिए ₹1,000 में ये लाइसेंस दिया गया है। कंटिन्यू करेंगे, लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप प्रोटेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि सभी फीचर्स इनेबल हो चुके हैं, जैसे कि रियल साइट, इसमें आप इसको इनेबल करेंगे तो इससे आपको रियल और फेक वेबसाइट का पता चल जाएगा। फायरवॉल है, इसको भी आप इनेबल करेंगे तो कोई भी आपके कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकता और उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चुरा सकता है। इसके अलावा प्राइवेसी में आप जाएंगे, पासवर्ड प्रोटेक्शन भी इनेबल हो चुका है, आप इसको इनेबल रखेंगे। इससे क्या होगा कि आप अलग अलग ब्राउजर्स में जो अपने पासवर्ड सेव करके रखते हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे, कोई भी उनको नहीं चुरा सकता है। परफॉर्मेंस पर क्लिक करके आप यहाँ परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर स्कैन शुरू करेंगे। इसके बाद यहां पर जो काफी सारे एडवांस इश्यूज थे इनको भी हम रिसॉल्व कर सकते हैं, देखिए सभी यहां पर सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट, तो अब हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, कोई भी इसमें वायरस नहीं आ सकता है, मॉलवेयर नहीं आ सकता है और कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है और ना ही कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। तो आपको अपने कंप्यूटर में हमेशा एंटीवायरस का यूज जरूर करना चाहिए, बजट नहीं है तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं और अगर बजट है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं।